नमस्कार, आप देख रहे हैं दैनिक भास्कर उत्तराखंड यूपी। मैं हूं आपके साथ आकांक्षा पोखरियाल। चलिए ले चलते हैं आपको मसूरी की ओर। आबादी से आज़ादी को लेकर जन जागरूकता अभियान चलाया गया। मेरठ से आए तलवार दंपत्ति ने लाइब्रेरी चौक पर आबादी से आज़ादी को लेकर जन जागरण अभियान चलाया तथा लोगों को आबादी पर नियंत्रण करने की अपील की। पिछले 25 वर्षों से दिनेश तलवार एवं उनका परिवार देश के कोने कोने में जाकर आबादी नियंत्रण को लेकर जन जागरूकता अभियान चला रहे हैं और लगभग 80,000 पोस्टकार्ड प्रधानमंत्री कार्यालय में भेज चुके हैं ताकि जनसंख्या नियंत्रण पर कानून बन सके और साथ ही विभिन्न शहरों में जाकर आबादी को लेकर लोगों को जागरूक कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि हमारे देश में एक मिनट में 42 बच्चे पैदा होते हैं। अब यदि इसी प्रकार आबादी लगातार बढ़ती रहे, इसके परिणाम बहुत गंभीर होंगे। उनका कहना है कि जनसंख्या नियंत्रण को लेकर कोई भी सरकार संवेदनशील नहीं रही, लेकिन प्रधानमंत्री मोदी से उम्मीद है कि वह जनसंख्या नियंत्रण को लेकर कानून बनाएं और सख्ती से उसे लागू कराएं। आज़ादी के समय देश की 33 करोड़ आबादी थी, जो अब 135 करोड़ से भी अधिक हो गई है, जो कि बहुत ही चिंता का विषय है, जिस पर राजनेताओं को राजनीति से ऊपर कार्य करने की आवश्यकता है। दिनेश तलवार के साथ पत्नी दिशा तलवार, पुत्री सिमरन तलवार और पुत्र यश तलवार इस अभियान में जुड़े हुए हैं और जनता को जागरूक कर रहे हैं। उनका कहना है कि जब तक जनसंख्या नियंत्रण को लेकर कानून नहीं बनता है, तब तक वह ये अभियान जारी रखेंगे। मसूरी से अजीत कुमार सिंह की रिपोर्ट। धन्यवाद। आप मद्रास से हो, आप हरिद्वार से हो, किस शहर से भी आप आए हो, हमने आपको 50 पैसे का एक पत्र दिया है। आप उस पत्र को लिख दीजिए। अगर उस पत्र को आप नहीं लिख सकते तो ये दो बेटियां के हाथ में जो बैनर है, इसकी फोटो खींचकर कम से कम आप इतना तो कर सकते हो कि सोशल मीडिया पर आवाज बुलंद कर सकते हैं। ये समस्या मेरी नहीं है, ये समस्या देश की है। आजादी के वक्त 33 करोड़ और आज 133 करोड़ से ज्यादा गया है। धर्म की समस्या नहीं है, ये समस्या देश की समस्या है। एक मिनट में 42 बच्चे पैदा होते हो, जिस देश में, उस देश का भविष्य क्या होगा, ये बताने के लिए मैं, मेरी बीबी और मेरे दोनों बच्चे पिछले 25 सालों से देश में घूम घूम कर लोगों से अपील कर रहे हैं। हो जाए मेरठ से ये कारवा चला और 170 शहरों में घूम घूम कर देश के प्रधानमंत्री के नाम चिट्ठियों का सैलाब लिखने की कोशिश कर रहे हैं। आपके शहर में आने का सिर्फ मकसद ये है कि इस शहर में, शायद आप बेंगलोर से हो, आप दिल्ली से हो, आप मद्रास से हो, आप हरिद्वार से हो, किस शहर से भी आप आए हो, हमने आपको 50 पैसे का एक पत्र दिया है। आप उस पत्र को लिख दीजिए। अगर उस पत्र को आप नहीं लिख सकते तो ये दो बेटियां के हाथ में जो बैनर है, इसकी फोटो खींचकर कम से कम आप इतना तो कर सकते हो कि सोशल मीडिया पर आवाज बुलंद कर सकते हैं। ये समस्या मेरी नहीं है, ये समस्या देश की है। आजादी के वक्त 33 करोड़ और आज 133 करोड़ से ज्यादा 60,000 बच्चे रोज पैदा होते हो, उस देश का भविष्य क्या होगा, ये बताने के लिए पूरे देश में घूम घूम कर लोगों से ये अपील कर रहे हैं कि वो आवाज उठाए, आवाज बुलंद करे, देश की आबादी के खिलाफ। अगर आबादी की रफ्तार रुकी नहीं गई तो आने वाले समय में गंभीर समस्याओं का सामना इस देश को करना होगा। क्या आप चाहते हो कि
कि इस देश में आपके पापा पिछले 25 सालों से अभियान चला रहे हैं, आप भी साथ में जुड़ रहे हैं, ऐसा लग रहा है क्या मैसेज देना चाहेंगे आप सरकार को लोगों को? मैसेज हम यही देना चाहेंगे कि जैसे बाकी चीज़ों पर भी लॉ बन रहे हैं तो पॉपुलेशन पर भी बनना चाहिए, क्योंकि हम आगे आने वाला यूथ है, हमें ही वो सारी प्रॉब्लम फेस करनी पड़ेंगी, क्योंकि लिमिटेड रिसोर्सेज होंगे और नंबर ऑफ पीपल ज़्यादा होंगे तो दिक्कतें बहुत ज़्यादा बढ़ेंगी। आज की डेट में भी अगर कुछ नहीं हुआ तो आगे तो हमें फिर कोई उम्मीद होगी नहीं, क्योंकि मोदी सरकार ही एक ऐसी सरकार है जिससे हम उम्मीद कर सकते हैं कि वो पॉपुलेशन कंट्रोल पे कोई लॉ बनाए। तो हम भाई बस उनसे दरख्वास्त करते हैं कि आप प्लीज़ इस पर सोचिए और प्लीज़ इस पर लॉ बनाइए। आप क्या करते हैं अभी? मैं अभी जॉब करती हूँ ट्रैवल में। पूरा पूरी बात बताओ। एयर होस्टेस है। और ये साथ में पापा के साथ भी जुड़े हैं। हाँ जी। पूरा नाम क्या आपका? सिमरन तलवार। दिनेश तलवार। कहाँ से आए हैं? मेरठ से। ये आपने एक अभियान छेड़ रखा है जनसंख्या नियंत्रण को लेकर, तो कब से आप ये आंदोलन कर रहे हैं और क्या अभी तक अभी तो कोई क्या कामयाबी मिली है और नहीं मिली तो क्या कारण है? पिछले 25 सालों से हम जनसंख्या नियंत्रण का अभियान चला रहे हैं। 170 शहरों में हम अपना अभियान को चला चुके हैं। मैं रोड पर उल्टा चलता हूँ और मेरी पत्नी रास्ता दिखाती है, क्योंकि उल्टा में इसलिए चलता है कि सरकार उल्टा काम कर रही है, तमाम समस्याओं पर अरबों खरबों रुपए खर्च करती है और जनसंख्या नियंत्रण पर एक रुपए भी खर्च नहीं करती है। हमने सरकारों को 80,000 पोस्ट कार्ड लिखे, 6,000 ज्ञापन दिए, 100 बार जंतर मंतर पर उपवास करा और पूरे देश में घूम घूम कर लोगों से अभी अपील कर रहे हैं कि वो आबादी के खिलाफ आवाज उठाए। और दुख की बात है कि खो गया है वो नारा, हम दो हमारे दो, छोटा परिवार सुखी परिवार, अब आपको कहीं भी दीवारों पर लिखा हुआ नजर नहीं आएगा। हमारा प्रयास है कि हम देश के प्रधानमंत्री को लोगों से पत्र लिखवाए और अब हमें सिर्फ इस प्रधानमंत्री से ही उम्मीद है कि ये प्रधानमंत्री कुछ ना कुछ करेंगे। पिछले 25 सालों के संघर्ष में हमें किसी भी राजनीतिक दल ने सपोर्ट नहीं किया, ना ही हमारी बात को गंभीरता से लिया, ना ही उन्होंने कुछ सोचा जनसंख्या के बारे में। और 33 करोड़ से 133 करोड़ हो गए, यानी आजादी के बाद देश में 100 करोड़ की आबादी बढ़ गई, पर राजनेताओं ने इस मुद्दे पर आंखें बंद कर रखी है। हम चाहते हैं कि आवाम आवाज उठाए, जनता आवाज उठाए कि देश की समस्या जनसंख्या वृद्धि धर्म की समस्या नहीं है, वो देश की समस्या है। क्या कारण है कि आपको? कारण सबसे बड़ा है कि इस देश के नेताओं ने इस समस्या को कभी भी देश की समस्या नहीं माना। कारण ये है कि वो इसको धर्म से जोड़ते हैं, जबकि ये धर्म की समस्या नहीं है, ये देश की समस्या। अगर पानी बिजली की समस्या होगी तो वो हिंदू मुसलमान सिख ईसाई सभी के लिए वो समस्या होगी। ठीक है।